चलिए गुड गुड आफ्टरनून एवरीवन टू बी वेलकम आई वेलकम यू ऑल टू दूट्यूब चैनल ऑफ स्टडी आई क्यू आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कल क्लास नहीं हो पाई थी एज यू मस्ट बी नोएंगे बहुत ज्यादा यहाँ पे बारिश है उस वजह से तबियत खराब हो रही है रोड ब्लॉकेज हो रही है सो मैंने सोचा ठीक है

ड uh, so बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जो अभी भी है विद रिस्पेक्ट टू दिशन कल दो तीन बच्चों ने मुझसे पूछा कि मैम क्या ये रिकॉर्डेड होगा या लाइव होगा तो देखो बच्चा लोग आपको एक बात समझनी होगी जो ये फाउंडेशन uh, बैच है जो सिक्स बैच स्टार्ट हो रहा है इनफैक्ट जितने भी अभी तक बैचेज हैं

आपको लगता है आपको क्लास नहीं समझ आई है या कोई टॉपिक वापस जाके देखना है फॉर दैट पर्पस आप जाके रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो आप इंस्टॉलमेंट में भी फीस दे सकते हो इंस्टॉलमेंट व्हिच इज ईएमआई किस तरीके से दे सकते हो आपके पास क्रेडिट कार्ड होना चाहिए एंड व्हाट यू हैव टू डू आपको यूज करना होगा कोड नानकी लाइफ फॉर दी मैक्सिमम डिस्काउंट जी अः शक्ति बिल्कुल हिंदी मीडियम वालों के लिए देखो क्लास का जो मीडियम है बोलने का तरीका जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ तो so कि की क्लास होगी क्या वो सिर्फ हिंदी में होगी क्या सिर्फ इंग्लिश में होगी नहीं हिंग्लिश हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ होगा जो हमारी पीपीटीज हैं उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा होगा ठीक है ना तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अः क्या सिर्फ इंग्लिश में होगा नहीं हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में लिखा होगा पीपीटीज में uh, तो हिंदी मीडियम वाले भी डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें समझ नहीं आएगी वहाँ से इंग्लिश में बोला जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ठीक है चलिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पे भी बारिश हो रही है बहुत बढ़िया बात है थैंक यू सो मच फाइटर तेजस दैट आपको मेरे वीडियोज़ हेल्पफुल लगते हैं आपको चीज़ें समझ आ रही हैं इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती

क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं इंफ्रास्ट्रक्चर से तो बिल्कुल आप मान लीजिए कि ना के बराबर आते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस व्हेन वी टॉक अबाउट मेंस हर साल एक पंद्रह मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेंस में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं एक तो दस मार्क वाला है एक पंद्रह मार्क वाला तो मेंस में इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर उठा के पंद्रह मार्क का क्वेश्चन सीधा सीधा आता है एंड एट द सेम टाइम आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा बहुत ईजी क्वेश्चन आएगा ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको समझ नहीं आ, आ रहा है मोस्टली मोस्टली कहाँ से क्वेश्चन आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट मॉडल में से इस बार भी अगर आप देखोगे क्या है देखो स्टूडेंट्स आप कहोगे मैम आप ये क्यों बता रहे हो हम बाद में देख लेंगे एक बार पढ़ तो ले देखो जब हम किसी टॉपिक को अप्रोच करते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को भले ही वो मॉनिटरी पॉलिसी हो भले ही वो एक्सटर्नल सेक्टर हो आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि भाई किस टाइप के क्वेश्चन हमको अगर इस टॉपिक को देखना है तो किस नजरिए से देखना है हमें प्रिलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखना है कि हमें मेंस के पर्सपेक्टिव से देखना है हमें कितने डेप्थ में जाना है ठीक है तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए ठीक है तो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो प्रिलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते ज्यादा बात अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो स्कीम्स में से आएगा ठीक है ना स्कीम्स में से आएगा कोई अगर कोई स्कीम चल रही है गवर्नमेंट की जैसे कि गतिशक्ति में से आ सकता है जैसे कि नेशनल जो असेट मोनेटाइजेशन है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है कि कोई फीचर पूछ ले स्कीम का उस प्लान का कुछ 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 एक पार्ट पूछ ले कि भैया सेंट्रली फंडेड है या इसकी फंडिंग कैसे होगी ये सब पूछा जाएगा ठीक है आ, प्रिलिम्स ऐसे so, मेंस में हर साल एक मेंस का क्वेश्चन सॉरी uh, एक मार्क का क्वेश्चन uh, दीपाक्षी आप क्लैट के है, फिर भी वीडियो देखते हैं है, uh, है, आपको एडिटोरियल्स पढ़ना बहुत जरूरी है ठीक है ना क्लैट को क्लियर करने के लिए सबसे आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज लीगल रीजनिंग शुड भी स्ट्रॉन्ग और लीगल रीजनिंग तभी स्ट्रॉंग होगी जितना आप न्यूज पढ़ोगे क्योंकि क्लैट का पैटर्न चेंज हो गया है अब राइट फ्लैट के पैटर्न में डायरेक्टली आपको कोई ना कोई एक एडिटोरियल उठा के दे दिया जाता है यूजली वो हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में से होता है राइट तो वहाँ आप फोकस करिए डेफिनेटली नॉलेज को आ, उन एडिटोरियल्स को समझने के लिए येस वीडियोस कैन बी हेल्पफुल बट आई थिंक आपका फोकस ज्यादा एडिटोरियल्स पे होना चाहिए चलिए यस यस मनीष अच्छा मंच इज इट Uh, बहुत सारे बच्चे मुझे एस एस सी सी जी एल के लिए भी पूछते हैं ये बिल्कुल आपको हेल्पफुल होगी देखिए स्टूडेंट्स आपको एक बात समझनी होगी कि दी सेम चेंज नहीं होने वाली बैंक रेट भी वही है रेपो uh, रेट भी वही रहेगा आप क्या कर सकते हो यहाँ से आप कॉन्सेप्ट समझ सकते हो जब आप मेरा वीडियो देखते हैं आप कॉन्सेप्ट्स को समझ सकते हैं ठीक है ना एंड उसको आप मोल्ड कर सकते हो कि किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कंसेप्ट समझ के उसको अप्लाई आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग करोगे राइट चलिए चलो 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 अभी बहुत सारा थैंक यू हो गया आपका थैंक यू होल हार्टेडली आई एम एक्सेप्टिंग नाउ लेट स्टार्ट दी क्लास एकदम जोर शोर से कि इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है ठीक है ना सबसे पहले व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर सो इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी डिफाइंड एज फिजिकल एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कोई भी एक फिजिकल स्ट्रक्चर हो सकता है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर भी हो सकता है राइट वॉट विच लीड्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर के एग्जिस्टेंस से क्या होता है इट लीड्स टू इट लीड्स टू इट लीड्स टू द वर्क इट फैसिलिटेट्स द वर्क प्रोसेस रिजल्टिंग इनटू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी ठीक है ना इंफ्रास्ट्रक्चर में हम मशीन भी डाल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में हम फ्लाईओवर भी डाल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में जो हमारे कंट्री में डैम्स हैं वो भी डाल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी जो 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 हमारी बिजली की तारे हैं जो ग्रिड जिसको बोलते हैं वो भी डाल सकते हैं लेकिन आप ये देखो कर क्या रहे हैं ये सब ये कर क्या रहे हैं ये आपकी लाइफ को फैसिलिटेट कर रहे हैं ये आपकी इकोनमी को फैसिलिटेट कर रहे हैं आप जोन सा भी बिजनेस कर रहे हैं भले आप मान लीजिए आपकी आप गन्ने का जूस बेचते हैं ठीक है ना उसके लिए आपको रोड चाहिए ना जहाँ से आप रोड पे चल के जा सके रोड पे अपनी वो जो जो गन्ने की मशीन होती है उसको ले जाके कहीं पे स्टेब्लिश कर सके तो आप कहोगे नहीं मैम हमारा तो क्योंकि बिजनेस ऐसा हमें तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है आपको पल पल में इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है भले ही आप कोई बिजनेस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो एज सिंपल एज दैट एज सिंपल एज दैट आप अगर एक स्टूडेंट भी है तो भी आप अगर आज मेरी क्लास घर पे बैठे देख पा रहे हो किस वजह से क्योंकि सबसे पहले तो आपके पास ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्लो हो हो रही है फ्लो हो रही है उसके बाद जो टेली टेली जो जो हैं हैं चैनल्स हमारा आ, इंटरनेट केबल्स ले करी गई है उससे ही तो आपको ये मेरी क्लास देख पा रहे हो राइट तो इंफ्रास्ट्रक्चर ना कि सिर्फ वर्क को फैसिलिटेट करता है या प्रोडक्टिविटी को फैसिलिटेट करता है इट इट हेल्प्स इन स्मूदनिंग एंड फंक्शनिंग ऑफ अर लाइफ आल्सो राइट बताइए बताइए अमृत क्या हो गया मेरी भी सुनिए हिंदी में बोलिए अच्छा हिंदी में ही तो बोल रही हूँ कैसे और हिंदी में बोलू बताइए कैसे आ, मैं बात करूं मुझे नहीं समझ आ रही है कि हिंदी तो कोशिश कर रही हूँ मैक्सिमम बोलने की ताकि आप लोगों को समझ आ पाए ठीक है द्विवेदी जी इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है या इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है तो इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और जितना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा डिपेंड की कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है ठीक है रोड्स बना रहे हैं तो उससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी ठीक है ना तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं चलिए अभी एक बार थोड़ा सा क्लास को आगे बढ़ाने दीजिए उसके बाद आप मुझसे अपने डाउट्स पूछिएगा बीच में चलो ठीक है ना हम बात कर रहे थे मेरी मेरी पूरी है, मेरी पूरी कोशिश कोशिश है कि मैं आपको अब आप थोड़ा सा कमेंट करना हमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए क्योंकि हमें पढ़ना है घर बैठ के और हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम जो बिजली की तारें ठीक है ना जहाँ से बिजली फ्लो हो रही है दूसरा जो हम इंटरनेट हमें चाहिए फोर जी से अब हम 5G जाने वाले हैं, राइट? देखें, एक होता है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और एक होता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आपकी हेल्थ ठीक है ना मतलब बेसिकली जो आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग को अच्छा करे ठीक है ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो आपकी क्वालिटी ऑफ लिविंग को अच्छा करता है दिस रेफर्स टू सर्विसेज एंड स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट्स दी सोसाइटी उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में ऐड कर रहा है वेयर एज इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा होता है जो देश की बढ़ोतरी में देश को बढ़ाना है ठीक है ना सकल घरेलू उत्पाद जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट उसको बढ़ाने के लिए देश की ग्रोथ के लिए ठीक है ना देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कहते हैं इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है ना जैसे कि हमें वेयर हाउस चाहिए गोदाम जिनको कहा जाता है अमृत को आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा कोशिश करूंगी ज्यादा हिंदी बोलने की अमृत जैसे कि हम एग्रीकल्चर जो हमारी खेती होती है उसके बाद खेती कर देना अपने आप में सफिशियंट नहीं है ठीक है ना क्या करेंगे कि अच्छी बारिश हो गई अच्छा पेस्टिसाइड यूज कर लिया अच्छी खाद यूज कर ली हमने तो फसल तो अच्छी उग गई अब अच्छी फसल उगा के क्या करें क्योंकि वो टाइम बाद तो सड़ जाएगी हमें क्या चाहिए उसको बचाने के लिए हमें गोदाम चाहिए जिसको वेयर हाउसेस बोला जाता है हमें हमें चाहिए जो फटाफट सामान पहुंचा सके मार्केट तक ठीक है ना ताकि उसके सड़ने गलने से पहले लोग उसको खरीद लें क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ क्या प्रॉब्लम है जो उस जो भी हम उगाते करते हैं वो खराब हो जाता है बहुत जल्दी सड़ जाता है गल जाता है राइट ठीक है ना ठीक है कृष्ण अगेन मैं ये वाली बात कह रही हूँ काफी सारे बच्चे को के लिए पूछ रहा है, आ, कोई एस कोई सी के लिए पूछ रहा है तो मैं आपको ये बात बता दूं देखो देखिए इकोनॉमी कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे तो मैं जो चीजें पढ़ा रही हूँ बहुत जेनरिक चीजें पढ़ा रही हूँ सेंट्रिक आपको पढ़ना है तो आपको आना होगा जीएस लाइफ फाउंडेशन बैच में ठीक है एज सिंपल एज दैट सो वॉट यू हैव टू डू इज आप समझ सकते हैं कॉन्सेप्ट्स पे कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है सारी चीजें आप समझ लीजिए प्लेलिस्ट बनी हुई है उसके बाद जो आपके कोर्स में भाई अगर आपके इसमें है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी डेप्थ में पूछा हुआ या में है या मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ क्वान्टिटेटिव टूल्स पढ़े हुए हैं या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपनी नॉलेज को मोल्ड कर लीजिएगा ना ठीक है चलिए

Essential, मतलब जो आपके जीने के के लिए लिए आपकी और देश चलाने के लिए जरूरी है जैसे कि हेल्थ हो गया जैसे कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिससे हमें सब्सिडाइज प्राइस पे जिस पे सब्सिडाइज प्राइस पे जो हमारे मार्जिनल मार्जिनलाइज सेक्टर है या बिलो पावर्टी लाइन सेक्टर है उसको जो फूड ग्रेन्स मिलते हैं तो ये क्या है दे आर असेंशियल फॉर रनिंग द इकोनॉमी इनको सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है ठीक है दूसरा हो गया हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है दैट आर नेसेसरी फॉर रनिंग यहां पर फर्क कहा आ रहा है पे आ रहा है कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेन करने में हेल्प करता है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो रनिंग द इकॉनमी में हेल्प करता है ठीक है यस चलो अब इंपॉर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है बोर्ड पे क्या लिखा है उस पर ध्यान नहीं देंगे बोर्ड पे क्या लिखा है उस ध्यान नहीं देंगे इंफ्रास्ट्रक्चर मान आप मान लीजिए लीजिए आप कि गवर्नमेंट ने कई रे, नया रेलवे स्टेशन बनाया ठीक है ना रेलवे स्टेशन बनाया तो आप क्या देखते हो मतलब आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है तो क्यों बना रही है आप कहोगे मैम ट्रेन पहुंचानी है एक गांव तक पर आप ये देखोगे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से उसके कितने सारे और बेनिफिट्स होते हैं

तो क्या उनके लिए इम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हुआ उनके लिए अपॉर्चुनिटीज जनरेट हुई ना आप देखोगे रेलवे स्टेशन के आसपास जैसे ही कोई रेलवे स्टेशन बनेगा उसके पास छोटा सा कोई लॉज छोटा सा कोई होटल खुल जाएगा कि अगर कोई गेस्ट मतलब कोई अगर यात्री आ रहे हैं तो कहाँ रुकेंगे ठीक है ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से सिर्फ इकॉनमी को डायरेक्ट फायदा नहीं होता है ना वो कुरकुरे बेचने वाला खड़ा हो जाएगा फटाफट से ऑटो वाला या दो तीन रिक्शे वाले आ जाएंगे बाहर ठीक है ना आसपास कोई रेस्टोरेंट या ढाबा खुल जाएगा ठीक है ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से अपने आप मैं आपको लिंक लिंक बताती लिंक बताती आप देख लीजिए, जैसे आपको कलर दिख रहा है डू नॉट नो कलर दिख रहा है ये वाला गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया ठीक है ना गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया उससे क्या होता है उससे जनरेट होता है एम्प्लॉयमेंट उससे जनरेट होता है एम्प्लॉयमेंट कैसे हो रहा है employment? सबसे पहले तो क्रिएट करने के लिए लोग लोग चाहिए चाहिए रेलवे लाइन डालने के लिए लोग चाहिए वो स्टेशन एक मास्टर को रखा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा उसके आसपास दूसरी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी कैसे क्रिएट होंगी अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देखो बच्चे लोग अगर आप लोग एक बात समझिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर रही हूँ आप मुझे बताइए अगर मैं चैट ही पढ़ती रहूंगी तो आप मुझे बता दीजिए कि कि मैं कि मैं चैट पढूं क्लास लूं आप मुझसे ही तो पूछोगे डाउट लेकिन आप मुझसे ये बता दीजिए कि मैं आपके पहले डाउट्स ले लूँ पहले क्लास ले लू पहले डाउट्स की पहले क्लास क्योंकि क्लास ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरे बच्चे भी वेट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा संयम

अब जो सैलरी मिली है या वेजेस मिली हैं वो कहीं ना कहीं वो जो कुली है जाके खर्च करेगा ठीक है ना वो खर्च करेगा तो मतलब बाजार में चीजों की गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी भाई गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी पहले सिर्फ दस लोग मान लीजिए पूरे देश में सिर्फ दस लोग हैं है जिन, जिनके पास नौकरी और जाके खर्च करते हैं क्योंकि अब रेलवे स्टेशन बन रहा है तो चार नए लोगों को जॉब मिल गई अब ये चार नए लोगों के पास सैलरी आने लग गई तो वो जाके मार्केट में गुड्स एंड सर्विस खरीदने लग गए जब उन्होंने गुड्स एंड सर्विस खरीदा तो मतलब मार्केट में डिमांड बढ़ी गुड्स एंड सर्विस की तो जब गुड्स एंड सर्विस की डिमांड बढ़ेगी तो पीछे जो फैक्ट्री है जो ये गुड्स एंड सर्विस बना रही है वहां पे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा वहां पे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज करना होगा तो फैक्ट्री को फिर से क्या लगाना होगा और लेबर लगानी होगी तो वहां पे फैक्ट्री को भी और लोगों के लिए नौकरी की अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई और लोगों को वहां पे आ, रोजगार मिला राइट चीजें समझ आ रही हैं आपको तो जब प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट फिर से इंक्रीज होगा क्योंकि पहले अगर 10 यूनिट गुड्स एंड सर्विस बन रहे थे अब पंद्रह यूनिट बनाने पड़ रहे हैं क्यों क्योंकि और लोग आ गए हैं चीजें खरीदने के लिए तो आप समझ रहे हो कितनी बड़ी साइकिल है जस्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है और उसके कितने मल्टीपल आगे से आगे बेनिफिट्स हैं ठीक है ना ऑल्सो अब आप ये देखो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तक तो हम सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे यहाँ पे पहुंचे थे प्रोडक्शन ठीक है ना अब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो मतलब कंट्री का जो जी है जिसको सकल घरेलू उत्पाद भी बोलते हैं वो भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि जीडीपी क्या है जीडीपी इज दी मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन्फ्लेशन क्यों होगा कृष्ण इन्फ्लेशन एकदम से नहीं होगा नहीं 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 आप एकदम से इन्फ्लेशन पे चले गए कि भाई सैलरी वेजेस मिलेगी तो इन्फ्लेशन होगा नहीं होगा देखिए कुछ लेवल ऑफ इन्फ्लेशन तो जरूरी भी है इकोनमी को बढ़ाने के लिए राइट चलिए तो तो अभी तो हम सिर्फ के नजरिए से देख रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ तो मतलब people, मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ़ पीपल लोग भी फटाफट ट्रैवल कर पा रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज भी फटाफट ट्रैवल कर पा रही हैं ठीक है ना तो टाइम बचेगा टाइम बचेगा प्लस कॉस्ट बचेगी तो ये तो सिर्फ मैंने आपको अभी एक रेलवे स्टेशन का एग्जाम्पल दिया है ठीक है ना तो आप समझ रहे हो कि अगर एग क्रिएट होता है तो आपको डेढ़ सौ वर्ड 10 मार्क क्वेश्चन आया है तो ढाई सौ वर्ड तो उसमें सिर्फ अगर आप इसी को समझाने के लिए लंबी लंबी लाइने लिखोगे तो आपकी सारी जगह तो खत्म हो जाएगी तो आपको कैसे समझाना होगा आपको ये फ्लो चार्ट के थ्रू समझाना पड़ेगा ठीक है चलिए

अप्रोप्रिएट रोड नहीं बनी हुई है खड्डे हैं रोड में या कोई फ्लाइट की व्यवस्था नहीं है या ट्रेन की व्यवस्था नहीं है तो आप छे की जगह दस घंटे में पहुंचोगे ठीक है ना आपकी प्रोडक्टिविटी तो गई ना उस दिन की ठीक है ना और ऐसे कितने ही लोग हैं जिनकी प्रोडक्टिविटी क्योंकि वो फास्टर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे राइट सो लैक ऑफ बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर वु होल्डिंग बैक द इकोनमी क्योंकि पीपल वुड रिक्वायर मोर टाइम ज्यादा टाइम ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा अब आप मान लीजिए आपके पास 4G की अवेलेबिलिटी नहीं होती घर पे आपको लगता है आप आप इतना मेरे से जो फटाफट चैट में पूछ पूछ पा रहे हो नहीं पूछ पाते आप वेट करते कि कब हम मैम को कॉल लगा के डाउट पूछ पाएंगे या धीरे धीरे आपका जो डाउट है मुझ तक पहुंचता फिर मैं उसको रिप्लाई करती या हो सकता है बार बार बीच में लैग आता ठीक है ना या आप इतनी फ्लॉलेसली क्लास कैसे देख पा रहे हो क्योंकि आपके पास घर बैठे सुविधा है इंटरनेट की फोर की सुविधा है बट अगर ये नहीं होता तो आपका टाइम भी ज्यादा जाता आपका एफर्ट भी जाता एंड डेफिनेटली मनी भी ज्यादा जाता राइट इट द प्रोडक्टिविटी लेवल इन द एंड ब्रिंग्स डाउन दी कॉस्ट प्रोडक्टिविटी लेवल मेरे को यहाँ से दिल्ली जयपुर से दिल्ली पहुंचना है तो मैं आधे घंटे फ्लाइट लूंगी आधे घंटे या चालीस मिनट में पहुंच जाऊंगी वहां से मैंने उबर करनी है और फटाफट अपनी मीटिंग वाली प्लेस में मीटिंग निपटा के वापस अपने घर राइट right?

पावर्टी को कम कर रहे हैं अगर आप मान लीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं होते सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते ठीक है ना तो एक जो गरीब जो गरीब आदमी ऑलरेडी जिसके पास पैसे नहीं है है ठीक ना वो कभी गरीबी रेखा के पास ऊपर जा ही नहीं सकता था क्यों क्योंकि अगर एक बार बच्चा बीमार पड़ा या एक बार कोई दुख तकलीफ आई आप हॉस्पिटल गए और आपके सारे पैसे वहीं पे ठीक है ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इकोनॉमी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बट की बल्कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर एलिवेशन ऑफ पावर्टी ऑल्सो फ्रॉम कंट्री ठीक है चलो, so, ये हो गया क्या क्या होते हैं? अच्छा, अब आपको क्या लगता है है, कि कोई भी building बन रही, कोई भी भी बन रही ढांचा बन इंफ्रास्ट्रक्चर है कोई भी चीज़ मान लीजिए, कोई भी रोड बन रही है कोई भी डैम बन रहा है कोई रेलवे स्टेशन बन रहा है कोई कोई टेलीकॉम लाइन है क्या उस सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं कैन वी कैटेगराइज ऑल ऑफ दिस इंडू इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हम कब बोलते हैं कि कोई अगर बिल्डिंग बन रही है क्या आप मान लीजिए जैसे कि can I say that, आप सबने प्रगति मैदान का नाम सुना होगा आप सबने प्रगति मैदान का आ, आ, नाम सुना होगा ठीक है क्या मैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकती हूँ क्या जो नेशनल वाटरवेज डेवलप हो रहे हैं क्या मैं उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोल सकती हूँ नहीं बोल सकते टोटल नॉलेज इज की जो प्रगति मैदान है जो जो एग्जीबिशन सेंटर है ठीक है ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर क्योंकि हम समझते हैं भाई ये कोई कोई पटरी मेट्रो लाइन या कोई एयरपोर्ट ठीक है चलिए ऐसा क्यों और कौन डिसाइड करता है कोई मुझे बता पाएगा चैट में कि कौन डिसाइड करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसको मिलेगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस है जो इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस है वो किसको मिलेगा ये कैसे डिसाइड होगा कौन डिसाइड करता है अच्छा मतलब बबिता आपके अकॉर्डिंग सिर्फ स्कूल एंड हॉस्पिटल ही इंफ्रास्ट्रक्चर है राइट right? मतलब स्कूल हॉस्पिटल रोड हो गई रेस्ट ऑल इज नॉट इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है ना क्योंकि क्योंकि देखिए आपको ये चीज समझ नहीं होगी जैसे ही कोई भी प्रोजेक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलता है उसको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं उसके साथ साथ लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलने के लिए हु हुई कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर है अच्छा सो so, मिथिलेश कह रहे हैं जिससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है अच्छा और बताइए और सोचिए और सोचिए फटाफट से ये तो बेनिफिट्स हैं ठीक है अच्छा सो तो अर्थव्यवस्था को काम करने के लिए जिन सेवाओं और सुविधाओं की ज़रूरत होती है उसे इंफ्रास्ट्रक्चर तो क्या जो एग्जीबिशन सेंटर्स होते हैं जैसे कि प्रगति मैदान इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन सेंटर है वो तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है ठीक है मुझे किसी ने अभी तक ये नहीं बताया है आ, कि कौन डिसाइड करता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस किस प्रोजेक्ट को मिलेगा अभी तक किसी ने जवाब नहीं दिया है किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया है

तो मेरा बिल्कुल मन नहीं करता है मैं बहुत डिसअपॉइंटेड फील करती हूँ कि आप लोग बैठे हो सामने कंप्यूटर टेबल के लैपटॉप के और आपसे इतनी सी चीज़ गूगल नहीं आपसे इतना सा एफर्ट नहीं रहा तो आप अपने एग्जाम क्लियर करने के लिए कैसे एफर्ट डालोगे जब आपसे इतना सा वो नहीं एफर्ट uh, डल रहा है गवर्नमेंट डिसाइड आस्किंग कौन सा डिपार्टमेंट विच गवर्नमेंट विच गवर्नमेंट बीजेपी या कांग्रेस विच गवर्नमेंट ठीक है चलिए So, benefit of getting, infrastructure, अब ये मैं आपको नहीं बताऊंगी आप खुद ढूंढोगे है बीजेपी की देती है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट देती है ठीक है चलिए सो वट व्हाट इज बेनिफिट क्या फायदे होते हैं अगर किसी प्रोजेक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिल जाए तो फर्स्ट इज टैक्स बेनिफिट ठीक है ना फास्टर इन्वायरमेंट क्लियरेंस ठीक है ना क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए जमीन चाहिए बहुत सारे क्लियर लेने पड़ते हैं कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा तो लोगों को नुकसान नहीं होगा जो लोग ऑलरेडी अगर बस रहे थे अगर हम उनको हटा रहे हम उनको हटा रहे तो रहे रहे हैं 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 से अगर हम हम उनको 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 तो कर एक जगह दे रहे जाके वो रह सके राइट ठीक है ना एफ अप्रूवल बहुत ईजी हो जाती है ठीक है ना रिलैक्सेशन इन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होती है जब कोई प्राइवेट एंटिटी जब कोई प्राइवेट एंटिटी बाहर से जाके लोन ले लोन लेने के दो तरीके होते हैं आप डोमेस्टिकली मतलब विद इन दी कंट्री लोन ले रहे हो और एक आप बाहर जाके लोन ले रहे हो तो बाहर जाके लोन ले रहे हैं तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग दूसरा अप्रूवल ऑफ एफ दूसरा जो आई है ठीक है ना इंश्योरेंस को रेगुलेट करने के लिए जो अथॉरिटी है इंडिया में वो इंश्योरेंस कंपनीज को मैंडेट कर सकती है कि कुछ पार्ट ऑफ आपका जो फंड है आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की भी तो फंडिंग होनी जरूरी है ठीक है ना तो जब किसी प्रोजेक्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस मिलता है तो आई आई

तो ही ये बेनिफिट्स मिलते हैं कि कम ब्याज पे लोन मिल जाएगा ठीक है ना इजीली एफ डी आई अलाउ हो जाएगी ठीक है यस लास्ट इज इजियर फंडिंग दूसरे जो बाहर के बैंक है जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन है उनसे भी फंडिंग क्योंकि वर्ल्ड बैंक किसके लिए फंडिंग करता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स डेवलपिंग कंट्रीज में तो वो बहुत ईजी हो जाती है इसलिए कोशिश करती है सरकार कि जो कोई कोई नई चीज डेवलप हो रही है तो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस मिल जाए क्योंकि ये सारी चीजें ईजी हो जाती हैं ठीक है ठीके? चलो सो so, हमने ये देखा अब देखते हैं हम रिलेशनशिप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या रिलेशनशिप है वैसे तो मैं आपको पूरा वो फ्लो चार्ट समझा चुकी हूँ एक स्टोरी लाइन आपके दिमाग में सेट हो चुकी है ठीक है फिर भी एक बार देख लेते हैं इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट लेवल इंक्रीज होता है और जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा कंट्री में उतना ही ज्यादा जीडीपी इंक्रीज होगा कंट्री में राइट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है ठीक है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन आप देख चुके हो कितना मासिव लेवल पे एक रेलवे स्टेशन खुलने से या एक मेट्रो स्टेशन खुलने से तो नीचे वो सोडा शिकंजी बेचने वाला पोहा बेचने वाला आ, जो आ, इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है वो वाले आसपास कुछ खाने की दुकान बन जाएगी ये सारी चीजें क्रिएट हो जाती हैं राइट डेवलपमेंट ऑफ सोशल इंफ्रा हेल्प्स इन रिड्यूसिंग पावर्टी सोशल इंफ्रा जैसे कि सब्सिडाइज हेल्थ सर्विसेसिडाइज एजुकेशन सर्विसेज ठीक है ना अगर गरीब गरीबी रेखा के नीचे कोई है अगर वहां से कोई पढ़ लिख जाता है तो उसको नौकरी मिल जाएगी तो उससे नौकरी मिल जाएगी तो वो गरीबी रेखा के ऊपर आ जाएंगे सो so, अगेन क्या लिए चीज है, है? Right? एक, एक, एक में ये, ये नंबर लिखने बहुत जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई क्वेश्चन आता है जैसे कि अभी इस साल क्या क्वेश्चन आया था मेंस में पीपीपी मॉडल आया था कहां पे रेलवे स्टेशन के अपलिपमेंट के लिए ठीक है ना वहां पे ऐसी चीजें लिखना बहुत जरूरी है कि वर्ल्ड बैंक ने भी बोला है वर्ल्ड बैंक डेटा शोज दैट वन परसेंट इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट अगर हम इन्वेस्टमेंट को एक परसेंट से इंक्रीज करते हैं हर साल तो कितना इंक्रीज होगा जीडीपी में इट लीड्स टू वन परसेंट इंक्रीज इन जी ऑफ द नेशन ऑल्सो ठीक है यस अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीजेस मतलब बेरोजगारी का दर नीचे जा रहा है मतलब रोजगारी का दर ऊपर जा रहा है राइट चलिए सो रिलेशनशिप बिटवीन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है सारी सारी अच्छी-अच्छी अच्छी-अच्छी बातें बातें कर कर ली, uh, सारी अच्छी 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 कर ली कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो ये होगा वो होगा लेकिन क्या बॉटल क्या चैलेंजेस हैं? क्या हैं इन दी डेवलपमेंट ऑफ दी इंफ्रास्ट्रक्चर सबसे पहले तो पुअर प्लानिंग एंड गवर्नेंस

सो so, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है प्लानिंग एंड गवर्नेंस के साइड में लैक ऑफ कोशनिस्ट्रीज इसीलिए क्या लाई थी गवर्नमेंट गतिशक्ति गतिशक्ति क्यों लेके आई गवर्नमेंट गतिशक्ति जो मास्टर प्लान है आप लोगों को पता होगा वो किस लिए टू ब्रेक दी दी बिटवीन मिनिस्ट्रीज क्योंकि इतनी सारी मिनिस्ट्रीज सब समेर अराउंड सेवन एटीन मिनिस्ट्रीज मिलके कहीं ना कहीं अब मान लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है तो पोर्ट पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब जो हमारी कोस्ट लाइन है जो हमारी कोस्ट लाइन है यहाँ पे भी क्रिएट करना है अगर यहाँ पे पोर्ट्स क्रिएट हो रहे हैं तो ये वाली मिनिस्ट्री को किससे कोऑर्डिनेशन uh, में चलना पड़ेगा जो रोड्स ले कर रहे हैं क्योंकि पोर्ट्स डेवलप करके अपने आप में क्या करें जब तक क्योंकि पोर्ट पे सामान तो आ गया लेकिन अंदर अपनी मार्केट तक सामान पहुँचाने के लिए हमें क्या चाहिए रोड चाहिए तो इन कौन सी दो मिनिस्ट्रीज का कोऑर्डिनेशन होगा ठीक है ना सो so, बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है मिनिस्ट्रीज के बीच में फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस उससे बड़ी प्रॉब्लम फंडिंग की होती है फंडिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे पैसा चाहिए और बहुत लंबे समय तक ऐसा नहीं है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दो तीन साल में बन के क्रिएट हो जाएगा कई बार दस से पंद्रह साल लग जाते हैं आज आप दिल्ली मेट्रो की बात करिए दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट चले ही जा रहा है ऐसा नहीं है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट नहीं हुआ है हुआ है बट स्टिल अभी तक उसका काम चल रहा है तो मतलब पैसा तो ब्लॉक्ड है तो फंडिंग का बहुत बड़ा इशू आता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है डिले इन एग्जीक्यूशन एंड कंप्लीशन बहुत बार डिलेज आते हैं कई बार कई बार स्ट्रक्चरल uh, डिलेज होते हैं ठीक है ना कई बार uh, कई बार पॉलिसीज uh, चेंज हो गई कभी कभार किसी ने आंदोलन कर दिया उस वजह से चेंज है राइट

ठीक है आई थिंक मेरे को लगा था कुछ डाउट्स पूछ रहे हैं आप लोग anyway, तो है? का। का लेकिन खिंचते खिंचते सात साल हो गए और दूसरा होता है फंडिंग का और इसी के लिए फंडिंग मतलब पैसा कहां से आएगा इसीलिए पीपीपी मॉडल गवर्नमेंट लेके आई पीपीपी मतलब पब्लिक प्लस प्राइवेट की पार्टनरशिप पब्लिक प्लस प्राइवेट की पार्टनरशिप मतलब गवर्नमेंट अकेले नहीं बनाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट अकेले नहीं बनाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके बनाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर आई बात समझ तो उसके तीन मॉडल्स इंडिया में जो तीन मॉडल्स यूज होते हैं अब वो हम पढ़ने वाले हैं ठीक है ना सबसे पहला मॉडल जो होता है एक बार देख लेते हैं तो 1990 से पहले तो क्या होता था सिर्फ गवर्नमेंट के पास सारा होल्ड था कि गवर्नमेंट ही इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेगी 1990 के 1991 के बाद चीजें चेंज हुई हमारी कंट्री में वॉटर शेड इवेंट हुआ था 1991 में जो एलपीजी पॉलिसीज जो एक बच्चा कह भी रहा है समझा देना मैम ठीक है ना हमने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को अलाउ किया ना कि सिर्फ बैंकिंग बल्कि बहुत सारे सेक्टर्स में ठीक है ना एंड सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में भी हमने प्राइवेट पार्टिसिपेशन को वेलकम किया कि भाई हमें पता है हम सारी चीजें अपने आप नहीं बना पाएंगे हमें आपके भी सपोर्ट और एक्सपर्टीज की जरूरत है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज नोन कि उनके पास एक्सपर्टीज uh, ज्यादा अच्छा ह्यूमन रिसोर्स और पैसा ऑब्वियसली राइट ठीक है सो पीपीपी मतलब बात कर रहे थे हैं मॉडल की तो स्टैंड फॉर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नाइनटीन नाइनटी तक ठीक है ना इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस किसकी होती थी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी फिर गवर्नमेंट ने एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी अडॉप्ट करी इंडस्ट्रियल पॉलिसी हमने अभी शायद लास्ट चैप्टर में ही उसको कवर किया है राइट एंड बिटवीन नाइनटीन नाइनटी एंड टू थाउजेंड सिक्स

पार्टनरशिप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि भैया पैसा एक व्यक्ति का और एक्सपर्टीज दूसरे व्यक्ति की दूसरा हो गया भैया पैसे दोनों की और एक्सपर्टीज भी दोनों की एक होता है भैया सिर्फ पैसा पकड़ लो बाकी तुम देखना ठीक है ना राइट सो वी विल सी वी विल सी वॉट आर दी थ्री डिफरेंट मॉडल्स विच आर यूज इन इंडिया तीन कौन से डिफरेंट मॉडल्स हैं पार्टनरशिप के जो इंडिया में यूज होते हैं फर्स्ट मॉडल होता है इंजीनियर प्रोक्योर एंड कंस्ट्रक्ट ई भी बोला जाता है इसको ई पी सी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इसमें क्या होता है 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 जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, वो गवर्नमेंट देती कंप्लीटली जितनी भी कॉस्ट है वो गवर्नमेंट देगी ठीक है ना रो, रो, जो रॉ मटेरियल और जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगी वो भी गवर्नमेंट देगी मतलब जब गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट पैसा देगी तो उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल भी गवर्नमेंट ला देगी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी गवर्नमेंट ला देगी तो प्राइवेट पार्टिसिपेशन का आ रहा है प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन सिर्फ वहां तक सीमित होता है कि भैया तुम हमें चीजें बना देना क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तुमने ज्यादा अच्छे इंजीनियर्स को हायर किया हुआ है तो पैसा हमसे ले लो रॉ मटेरियल भी हम आपको बताएंगे कि कौन सा यूज होगा ठीक है ना आप बस बिल्डिंग को खड़ा कर दीजिएगा दैट इज व्हाट इज इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन

दूसरा मॉडल होता है बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर बिल्ड करो ऑपरेट करो ट्रांसफर कर दो ठीक है ना कौन बिल्ड करेगा प्राइवेट सेक्टर बिल्ड करेगी उसको कुछ टाइम चलाएगी उसमें से पैसा अपना वसूलेगी और उसको फिर ट्रांसफर कर देगी जैसे कि टोल में होता है टोल प्लाजा होते हैं जहां पे टोल कटता है हम हाईवे पे जाते हैं तो टोल्स होते हैं वहां पे राइट तो क्या होता है गवर्नमेंट ठेका दे देती है कि ये पांच किलोमीटर की रोड है या जो ये पचास किलोमीटर का हाईवे है ये तुम बनाओगे तुम बिल्ड करोगे, ठीक है ना? इसको तुम अगले दस साल ऑपरेट करोगे तुम ही देखोगे कि किस तरीके से इसको करना है, कभी पे खड़े हो गए, वहाँ पे जो लोग हैं टॉल प्लाजा में रसीद काटने के लिए वो भी तुम हायर करोगे तो उससे क्या होगा प्राइवेट सेक्टर के पास पैसे आएंगे ठीक है ना वो पैसे की वसूली कहाँ से करेगा ठीक है ना जो टोल जो टोल लगता है हमारा ठीक है ना उससे और जब उनका पूरी वसूली हो जाएगी पैसे की तो सारा का सारा प्रोजेक्ट ट्रांसफर कर दिया जाएगा किसको वापस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ठीक है ना तो इसमें बिल्ड करेगी प्राइवेट सेक्टर ऑपरेट करेगी उसको जितना भी टाइम लिखा हुआ है जितना भी टाइम लिखा हुआ है उसको ऑपरेट करेगी और उसके बाद ट्रांसफर कर देगी टू दी गवर्नमेंट सो बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर ठीक है ना एज यू कैन सी दे ऑपरेटेड फॉर सम टाइम एंड देन द फैसिलिटी इज ट्रांसफर टू दी गवर्नमेंट फाइनली राइट चलिए

जहां पे गवर्नमेंट क्या कर रही है गवर्नमेंट टू पेट तक गवर्नमेंट में हो रहा था ईपीसी में क्या हो रहा था सारा का सारा पैसा, पैसा गवर्नमेंट दे रही थी हाइब्रिड एनविटी में क्या हो रहा है वो बोल रहे हैं हम 60-40 रेशियो में लाएंगे 40 परसेंट गवर्नमेंट देगी 60 परसेंट तुम लेके आना ठीक है

वहाँ पे मिल जाएगा सिलेबस में आप कहोगे मैम कहाँ लिखा है इन्वेस्टमेंट मॉडल्स और इस बार मेंस में इस बार इनफैक्ट ये रिपीटेशन है मतलब मेंस 2022 में रेलवे स्टेशन के ऊपर क्वेश्चन आया था कि वहाँ पे पीपीपी मॉडल किस तरीके से हेल्प कर रहा है रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट में और पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं ठीक है सो विद दिस वी कम टू दी एंड ऑफ टूडेज क्लास अच्छा एक बात मैं आपको और बता दूं इसका मतलब ये नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा कंप्लीट हो गया व्हाट यू यू हैव हैव टू टू डू इज ओपन अप कौन सी बुक की बात कर रही हूँ मैं जो स्टडी आई क्यू की किताब है ठीक है यहाँ पे आपको जाके इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना है पेज फोर में ठीक है ना और डिफरेंट डिफरेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बारे में बात करनी है जो इसमें दिए हुए हैं जैसे कि रेलवेज डेवलप करने के लिए इंडिया में क्या स्टेप्स लिए गए ठीक है ना क्या स्कीम्स हैं उसके बाद रोडवेज हो गया रोडवेज के बाद हो गया सिविल एविएशन मतलब जो हमारे एरोप्लेन्स होते हैं जो हम यूज करते हैं उसके बाद इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट ये सब के ऊपर आपको नोट्स बनाने हैं और अगर आप मुझसे कोई वन स्टॉप सॉल्यूशन मांग रहे हो ना कि मैम कहां से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के नोट्स बन जाएं तो नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन लेके आई थी गवर्नमेंट उसमें रिपोर्ट आई थी दो उसमें से जो सेकेंड पार्ट ऑफ द रिपोर्ट है ना उसमें से आपके मेंस के एकदम डायरेक्ट बन जाएंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन रिपोर्ट का पार्ट पार्ट में हर एक भले ही वो ठीक uh, है यस फाइनेंस मिनिस्ट्री दी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस प्रांशु बहुत देर बाद आप बता रहे हैं ये चीज मुझे